मुझे सूचना मिली, मैंने कहा नहीं वहाँ जा रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, टेंडर कब लगाने। उन्होंने कहा मैं टेंडर ही बना रहा हूँ, ये कहा ना टेंडर ही बना रहा हूँ इनके सामने। और मैंने कहा भाई मैं जनता के बीच में मुझे बोलना है। आप उन्होंने कहा कि आप भविष्य ऑन कर लेना उसकी, और मैं वहाँ से सबके सामने बता दूंगा। मैं ये कह रहा था स्पीकर पे रोक लो, ये नहीं पूछेगा कोई, नहीं मोबाइल आगे कर लो। श्रीवास्तव जी मैं जरा जोर से बोलूंगा, मैं अभी यहाँ पर भागवत पुराण का आयोजन हो रहा है और बहुत सारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर इकट्ठी है और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपने कहा था कि मैं अभी यहाँ से बता दूंगा, देव स्थान में हूँ। ऐसा ना आप अपने श्रीमुख से बता दीजिएगा ये मोटर मार्ग कब से शुरू होगा। ये है मंगलता त्रिनेली, नीचे से एक मिनट आज तक जितने झूठे वादे झूठी घोषणाएं उनको भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज आने की भाषा नहीं बोलनी है क्योंकि जय मंदिर है, जय मंदिर में रहने की भाषा नहीं बोलनी है, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया है, हमारी माताओं ने हमारी बहनों ने आशीर्वाद देकर के मुझे देहरादून भेजा, अपना वोट देकर के मुझे विजयी बनाया है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए आप एक हफ्ते के अंदर वो कह रहे हैं कि हम इस पर टेंडर लगा रहे हैं और आप सबको मेरी ओर से नमस्कार कह दीजिए। आपने सुना होगा उत्तराखंड के चीफ इंजीनियर सबसे बड़े इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियर है, तो इसलिए आगे लोग कह रहे हैं इसकी बाउंड्री वाल बना दीजिए और मैं चाह रहा हूँ बाउंड्री वाल से आप एंगल में अगर बनाएंगे तो बढ़िया शो देगा, जो आप कुछ बनाना चाहें जो बनाना चाहे। इसके 4 लाख रुपया इस मंदिर के बाउंड्री वाल के लिए मैं दे जाता हूँ, 4 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ अभी। धन्यवाद, थोड़ी आप सांसद आप एरिया घूम लीजिए, आप एरिया घूम लीजिए, देख लीजिए कितना पैसा लगेगा, वो 5 भी शायद कम पड़ेगा, हम आपके पास ही आएंगे दोबारा। अभी आपके पास देखो, आपके पास अभी केंद्रीय वित्त का पैसा 7-8 लाख रुपया पड़ा है, उसको अभी इस्तेमाल करिए। सर हमारा 32 लाख रुपए का घोटाला हुआ है इस गांव के अंदर। चलिए चलिए आप हो गया ज्यादा, मैं आप सब लोग कह रहे 5 लाख दे दो, चलो 5 लाख रुपया अच्छा काम करेंगे। अच्छा हमारा आपका मंदिर है, आपका देवस्थान है, आज लोग इतने बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, भगवान की कृपा है, भगवान श्रीमद् भागवत का पुराण का यहाँ पर प्रवचन हो रहा है और यहाँ पर उसका